नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे OCD के बारे में बात करने वाला हूँ, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाला हूँ, जो काफ़ी जो है लोग इससे पीड़ित हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप में गिल्ट पैदा करने वाला ये OCD होता है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ सेक्सुअल थॉट्स के बारे में। सेक्सुअल थॉट्स का जो OCD होता है, जिसमें आपको सेक्सुअल थॉट्स इतने ज़्यादा आते हैं, वो भी अपने घर वालों के प्रति, अपनी मदर के प्रति, अपनी सिस्टर के प्रति, अपने रिलेटिव्स के प्रति, नियर्स एंड डियर जो भी हम लोगों के हैं, कज़न्स के प्रति, किसी के भी प्रति आपको सेक्सुअल थॉट्स आ सकते हैं। तो ये जो है पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर जो है गिल्ट पैदा होने लग जाती है कि यार ये कैसे विचार आ रहे हैं, मुझे ये विचार नहीं आना चाहिए, बहुत गंदे बहुत लेशिवियस थॉट्स हैं, पर इसको रोका कैसे जाए। व्यक्ति जो है अनकैपेबल होता है इन थॉट्स को रोकने के, और ये थॉट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उस थॉट के कारण व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी में चले जाता है, इनसोम्निया हो जाता है, किसी भी चीज़ में काम करने में मन नहीं लगता है, फोकस भी नहीं होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये हो जाता है। और ये एक प्रकार की ऐसी आदत बन जाती है जिसमें आप जो है धीरे धीरे इस आदत के शिकंजे में कसते चले जाते हो, और आप एक समय ऐसा आता है कि इतना डिप्रेस हो जाते हो कि कुछ भी गलत कदम भी उठा सकते हो। तो ये एक बहुत डेंजरस OCD है जिसके बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ, और एक ऐसा कॉम्बिनेशन आपको बताऊँगा जो कॉम्बिनेशन आप यूज़ करेंगे तो आपको जो सेक्सुअल थॉट OCD है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप जो है लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगता है तो ही इसको लाइक कीजिएगा, और साथ में इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूले। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। तो और यदि आपको हमसे फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो हम लोग जो है रात को 8:30 पर आपके समक्ष जो है लाइव आते हैं, तो लाइव पर भी आकर के आप आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक दवाई मुझसे जान सकते हैं। साथ में यदि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, प्रॉपर आपको इंडिविजुअल जो है कंसल्टेशन चाहिए, तो आप जो है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं पेड कंसल्टेशन के लिए। व्हाट्सअप के लिए आप जो है हमें, हमारा नंबर है 7880075175, इस पर आकर के आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, आपकी एक पेड कंसल्टेशन होगा और आपकी दवाई आपको होम डिलीवर की जाएगी। दोस्तों देखिए, OCD के बारे में मेरे जो हैं वीडियोस डले हुए हैं इस चैनल पर, तो आप ज़रूर देखिएगा। OCD शॉर्टली आपको बताऊं तो होता क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, एक प्रकार का साइकिक डिसऑर्डर है जिसमें अनवांटेड थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स जो है दिमाग में इतने आते हैं कि व्यक्ति परेशान हो जाता है, और व्यक्ति को डर होता है कि यदि ये जो है थॉट्स आया और यदि उसने उसको एम्प्लीफाई जो है नहीं किया तो हो सकता है कि कुछ गलत हो जाए, हो सकता है कि किसी की डेथ हो जाए, हो सकता है कि कुछ भी हो जाए, है ना। मतलब देखिए, मेरे पास एक पेशेंट आया था, उनको OCD की प्रॉब्लम थी, और OCD के प्रॉब्लम में क्या था कि उनको ये जो है वो सोचते थे कि यदि उन्होंने जो है खाना खाते समय बार बार नाक को हाथ पे, यू ये जो ऐसे करते ना, ऐसे नाक को बार बार हाथ पे नहीं लगाया तो घर में किसी की मौत हो जाएगी, है ना। तो जब भी खाना खाते थे तो बार बार नाक को ऐसा हाथ लगाया करते थे, उनको पता है कि नॉनसेंस चीज है, इससे कुछ भी नहीं होगा, फिर भी वो बार बार नाक को हाथ लगाते थे। ऐसे ही बहुत से पेशेंट होते हैं जिनको जो है वॉशिंग मेनिया होता है। वॉशिंग मेनिया किस टाइप का होता है कि वो ये सोचेंगे कि यदि मैंने हाथ नहीं धोया तो हो सकता है कि जो है मेरे को कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिससे मैं मर जाऊँ, है ना, और ऐसी बीमारी होगी जो इनक्यूरेबल होगी, जिसमें दुनिया में किसी के पास भी उसका इलाज नहीं होगा, इस प्रकार के भी थॉट्स हो सकते हैं। ये भी आपको फियर हो सकता है कि यदि आपके घर पर प्रॉपर आपने बेडशीट नहीं जमाई है, प्रॉपर तरीके से आपके घर के किचन के बर्तन नहीं है, तो हो सकता है कि कोई भी घर से बाहर निकलेगा तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार के नॉनसेंस थॉट आपको आ सकते हैं, और जिनका कोई औचित्य नहीं होता है, कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, फिर भी व्यक्ति जो है वो चीज़ करने लगता है। उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति को ही पता होता है कि नॉनसेंस थॉट है, इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई भी जो है मतलब ये नॉनसेंस है ना, कोई भी इसका बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी व्यक्ति करता है, क्योंकि उसे ऐसा मेंटली जो है ऐसे उसके डिफिशेंसी होती है सीरोटोनिन की,
कि व्यक्ति ये करने पर मजबूर हो जाता है, और जब वो कर लेता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, प्लेजर लगता है ना। जब भी उसने सोचा कि कोई घर से बाहर जाने वाला है तो सबसे पहले वो उसके घर के बर्तनों को देखेगा, है ना, बेडशीट को ठीक करेगा, फिर बोलेगा हाँ ठीक है जाओ। तो जब वो कर लेगा तो उसको बहुत अच्छा महसूस होगा कि हाँ चलो अब कुछ गलत नहीं होगा। तो ऐसे ही जो इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं, सेक्सुअल थॉट्स होते हैं, जिसमें व्यक्ति को ये जो है थॉट्स आने लग जाते हैं, गंदे गंदे ख्यालात आने लग जाते हैं, और इन ख्यालातों के कारण जो है व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाता है, और ये ख्यालात घर के मेंबर्स के प्रति ही आते हैं, और बहुत ज़्यादा व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो इन केसेस में आपको जो है साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, आप साइकोलॉजिकल थेरेपीज ले सकते हैं और साथ में होम्योपैथिक दवाई भी ले सकते हैं। एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। एलोपैथिक ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा है, परंतु होता क्या है कि आपको जो दवाइयाँ दी जाती है, हो सकता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, साथ में आपको जो भी दवाई दी जाती है हो सकता है उसका हैबिचुअल इफेक्ट हो जाए, आपको उसकी आदत हो जाए। कुछ सेडेटिव्स दी जाती है, नींद की गोलियां भी हो सकता है कि एज पर रिक्वायरमेंट आपको दी जाए, तो ये हो सकता है कि आपके शरीर के लिए जो है आगे चल कर के दिक्कत खड़ी कर दे, इसलिए आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की ओर आना है। होम्योपैथी में नो डाउट काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं हम लोगों के पास में, और मेंटली डिजीज़ जितनी भी होती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए हम लोगों के पास में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। तो आपको यदि कोई भी इस प्रकार की प्रॉब्लम है, आप आपके नज़दीकी किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को ज़रूर बताएं, ताकि आपकी वो पूरी केस टेकिंग करके आपको प्रॉपर दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सके। और यदि आपको लगता है तो आप हमसे भी पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिससे आपको जो इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं, लेशिवियस थॉट्स आ रहे हैं, जो आपको जो है एक लस्ट बनी हुई है उसको तोड़ देगा, और आपके जो थॉट्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे, और आप एक नॉर्मलाइज हो जाओगे, पर्सन एक नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली दवाई आती है दोस्तों इन सारी परेशानियों में, जब आपको किसी फीमेल्स के प्रति किसी को देख करके गलत ख्यालात आते हैं, और आप उन ख्यालातों से मास्टरबेशन परफॉर्म कर देते हो, तो ये सारी परेशानियों के लिए आपको बुफोराना दवाई यूज़ करना है। बुफोराना को 200 पोटेंसी में इस कॉम्बिनेशन में डालना है। बुफोराना से आपके जो भी थॉट्स गलत आ रहे हैं किसी भी प्रकार की फीमेल को देख करके, चाहे वो जो है इन हाउस हो या आउटडोर, किसी भी प्रकार की कोई फीमेल को यदि आपको देख करके गलत ख्यालात आ रहे हैं, तो उन ख्यालातों को बुफोराना बंद कर देगी, ख़त्म कर देगी। बुफोराना को आपको 200 पोटेंसी में इस कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है। अगली दोस्तों दवाई आती है जो बहुत शानदार दवाई है, आपके जो है अनवांटेड सेक्सुअल थॉट्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, वो है हायोसाइमस। हायोसाइमस को 200 पोटेंसी में आपको यूज़ करना है। हायोसाइमस का पेशेंट बहुत ज़्यादा लेसिवियस होता है, और लस्ट जो है, अश्लीलता जो है, इतनी उसके माथे पर हावी हो जाती है कि वो गलत गलत चीज़ें सोच करके अपने आप को बहुत नीचे गिरा लेता है, और बहुत शरीर का हाश करने लगता है, शरीर का दोहन करने लगता है, और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत इरिटेटिव हो जाता है। तो इस सारी परेशानियों में आप जो है हायोसाइमस यूज़ कर सकते हैं। हायोसाइमस को 200 पोटेंसी में इस फॉर्मूला में आपको डालना है। दोस्तों अगली और अंतिम दवाई है स्टेफाइसेग्रिया 200। स्टेफाइसेग्रिया बहुत अच्छी दवाई है, यदि आपको गंदे ख्यालात आते हैं और आप जो है उन पर काबू नहीं कर पाते, और उसके कारण आप मास्टरबेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और आपको ओसीडी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप जो है चाहे घर पर हो चाहे बाहर हो, कहीं पर भी हो, आप मास्टरबेशन करना ही पड़ता है आपको ओसीडी के केसेस में, और आपके मन में ऐसा फियर होता है कि जब तक मास्टरबेट नहीं करेंगे तो यदि नहीं किया तो कुछ गलत हो जाएगा, किसी की डेथ हो जाएगी, है ना, कुछ गलत घटना घट जाएगी, कुछ भी गलत हो सकता है, ये भी थॉट आपको आ सकता है। आपको पता है कि ये बहुत चीज़ गलत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इन थॉट्स के कारण आप नहीं करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, फिर भी आप कर देते हैं, तो इन सारी परेशानियों में आपको स्टेफाइसेग्रिया 200 अच्छे से काम करती है और बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बुफोराना 200 पोटेंसी में, हायोसाइमस 200 पोटेंसी में, और आपके स्टेफाइसेग्रिया 200 पोटेंसी में लेकर के आना है।
तीनों को बराबर मात्रा में मिला देना है। 30 ml की शीशी में 10-10 ml तीनों को मिला देना है। एक ही कंपनी की दवाई जरूर यूज़ कीजिएगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डॉक्टर रेकवेक की दवाई लीजिए, बहुत अच्छी आपको काम करेगी इस केसेस में। तो आप डॉक्टर रेकवेक या डॉक्टर रेकवेक ना मिले तो आप शोबे की या SBL की यूज़ कर सकते हैं। आप इनकी जो है एक ही कंपनी की सारी दवाइयाँ तीनों खरीदीजिएगा और आप एक छोटी शीशी में 30 ml की कांच की शीशी में जो है 10-10 ml इसको डाल लीजिए। लेने का तरीका बहुत ईजी है, आपको जो है 5 बूंद सुबह और 5 बूंद शाम को लेना है। आप देखेंगे कि इस प्रकार से आप लेते हैं तो धीरे धीरे ही आपको OCD ठीक होगा। एकदम से चमत्कार तो नहीं होगा, परंतु हाँ मैं आपको बोल सकता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कि आपका अपने आप पे जो कंट्रोल है, आपके थॉट्स पे जो कंट्रोल है, वो लगभग 20 से 25 दिन में ही आपको नज़र आने लग जाएगा कि आप आपके थॉट्स को नियंत्रित कर पा रहे हैं। और धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि आपका मास्टरबेशन ठीक हो गया, आपको जो थॉट्स आ रहे थे वो भी धीरे धीरे शांत हो रहे हैं और आपको जो अश्लीलता है दिमाग में वो कम हो रही है। तो आप यदि ऐसे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है तो आप इसको लगातार यूज़ कर सकते हैं। इसको 2 से 3 महीने आप यूज़ कीजिए, आपकी परेशानी ठीक होने लग जाएगी और एक हद तक जो है आप इसको ले सकते हैं। इसको लगभग आपको 2 से 3 महीने आप लेंगे तो आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी। लगभग हो सकता है 100% ठीक हो जाए या फिर 80 से 90% यूज़ हो तो इम्प्रूवमेंट हो, तो आप इसको आगे जो है 20-30 दिन के लिए भी सक्सीड कर सकते हैं। दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा, कोई लिबिडो आपकी इससे कम नहीं होगी, कोई भी रिवर्स इफेक्ट इसका नहीं होगा, बिल्कुल सेफ़ दवाइयां हैं, आप निश्चित रूप से ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो सभी तक शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले वीडियो को, इंस्टाग्राम पर फॉलो और फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिएगा। फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो लाइव क्लिनिक से जुड़िए रात को 8:30 बजे। साथ में जो है यदि आपको मुझसे प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7880751175। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।